यहाँ के राजा थे मान सिंह वन करके, उनको ना जो इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, तो उसका विजिट था, तो उस चक्कर में सारा पिंक पिंक करवा दिया। बोतल फेंक रखी है भाई। ये तो वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स का में है, फिर भी इसमें देखो पानी में बोतल फेंकी हुई है। सारी मार्केट ना जुड़ी जुड़ी है, मैंने देख लिया। और आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्लोथिंग का है, गारमेंट्स का, ज्वेलरी का। क्योंकि अब मैंने पेमेंट कर दी थी, ब्लॉक अमाउंट दिखा रहा था 450, तो मैंने चार्जिंग स्टार्ट की, स्टार्ट हो रही है वो, फिर वो ट्राई अगेन, पर इन सब चक्रों में ना 25 मिनट निकल गए यार। मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और अब नहाने धोने की तैयारी करते हैं और फिर चलते हैं आज की जर्नी पे। आज बहुत घूमना है इसलिए सुबह सुबह उठ गया, लेट नहीं होना कल की तरह। तो भाई मैं सामान वाम पैक करके जल्दी से चलते हैं जयपुर के टूर पे। आज थोड़ा देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं, तो सोच रहा हूँ आज जल्दी ही निकल जाऊँ यार, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, रात को लेट हो जाऊँगा, सुबह ऑफिस भी जाना है। तो जल्दी से अभी गाड़ी में रखता हूँ और नाश्ता मैं सोच रहा हूँ वहीं जाके करते हैं, जहाँ आगे जाके ना, क्योंकि यहाँ पर अभी बनने में टाइम लग जाएगा। तो भाई अब हम चल पड़े हैं आमेर फोर्ट की तरफ और ये दिखा रहा है 15 किलोमीटर है, 41 मिनट लगेंगे, ट्रैफिक होगा सुबह सुबह, तो चलो जल्दी चल पड़ते हैं, वहाँ सीधा पार्किंग में लगेंगे, वहीं पर नाश्ता कर लेंगे यार, फिर उसके बाद आमेर फोर्ट घुमाता हूँ स्टार्टिंग में सबसे पहले। ये कोई किशनपाल बाजार करके है, बहुत लंबा बाजार है और यहाँ देखो दोनों तरफ देखो सब पिंक पिंक कलर के है। आज संडे का दिन है और सुबह का टाइम है, तब जाके थोड़ा कम ट्रैफिक मिल रहा है। देखो ये सड़क ना भरी हुई थी कल, इतना ट्रैफिक था, इतना मतलब मैं गाड़ी 10-15 की स्पीड से ज्यादा चला ही नहीं पा रहा था, स्कूटर और स्कूटी वालों ने तो आतंक मचाया होता। ये देखो पूरी पूरी पिंक ही पिंक पिंक कलर की, ये ना जयपुर में ना ज्यादातर सब कुछ पिंक पिंक कलर का है, तो मैंने देखा 1800 समथिंग में जो यहाँ के राजा थे मान सिंह वन करके, उनको ना जो इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, तो उसका विजिट था, तो उस चक्कर में सारा पिंक पिंक करवा दिया कलर, तभी से इसको पिंक सिटी के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। देखो यहाँ भी सब कुछ पिंक पिंक कलर का है, ये कोई और बाजार है, इधर भी देख लो। आमेर फोर्ट दिखने लग गया भाई, पहाड़ों वाला रास्ता है, ये ऊंचाई पे है काफी, तो वैसे भी जितने भी फोर्ट वगैरह होते हैं पहाड़ी के ऊपर ही बनाए जाते थे ताकि दुश्मन वगैरह अटैक ना कर पाए। ओहो हाथी देखो, यहाँ हाथी की सवारी भी है, देखो बहुत बड़ा है यार ये, देखो फैला कितना है यहाँ, यहाँ से देखो अगर दिख रही है आपको, एक पूरी वॉल जा रही है पहाड़ियों से होती हुई। ये देखो यहाँ पर एक तालाब भी है, अगर दिख पा रहा है नहीं पा रहा, देखो फिर बहुत सारे हाथी हैं यार, लाइन से निकल रहे हैं यहाँ से, देखो ना दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे लाइन से निकल रहे हैं। ये देखो पूरा का पूरा ना आमेर सिटी का व्यू, पूरा पहाड़ों से घिरी हुई है, देखो चार पांच ये किला, यहाँ ऊपर ही पार्किंग थी, पार्किंग कर दी हमने गाड़ी की, अब चलते हैं किले के अंदर की एंट्री वेंट्री लेते हैं। तो चलो अब अंदर चलते हैं। और हाँ यार, खाने के लिए ना मैंने यहाँ पर ये बच्ची बैठी हुई थी, परांठे आलू की सब्जी और दही की चटनी और साथ में छाछ दे रही थी, तो मैंने 2 छाछ पी लिए हैं और 2 परांठे दबक लिए, 60 रुपये लिए, ज़्यादा नहीं लिया पर बहुत अच्छा था, टेस्टी था और थोड़ा इनके घर का ही था तो फिर थोड़ा अच्छा ही था। चलो अब चलते हैं अंदर। ये देखो पहाड़ों के ऊपर ऊपर से ये किले की पूरी दीवार है, उस साइड से कोई दुश्मन अटैक करेगा
तो उससे बचने के लिए। और ये अंदर सारी सिटी है। और बताओ ये तो यार हम आ गए हैं अमेर फोर्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल से कोई टिकट नहीं थी, जो स्टार्टिंग में मेरे को गाड़ी जब मैं ऊपर ला रहा था 60 रुपए की टिकट दी थी, तो वो पार्किंग प्लस शायद ये टिकट का ही है। तो यहाँ तो कोई टिकट ली नहीं, चलो चलते हैं आगे। पता नहीं शायद बोल दें टिकट के लिए, पर यहाँ तो टिकट ली नहीं। देखो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, एंट्री कहाँ से करनी है, यहाँ चलते हैं पहले यार। यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह जूस वगैरह खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं यार टिकट है यहाँ पर, ये देखो ना 100 रुपये है पर पर्सन। बाकी अलग अलग तरह कैटेगरी में अलग अलग रेट है, पर अपन ना 100 रुपये लगेगा। देखते हैं टिकट कहाँ पर है, लेते हैं। जो ऐसे कुछ टिकट दिए है, एंट्री बोल रहे सामने गेट से। ये एंट्री, यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ भी खाने पीने के अच्छे तरीके, जलेबी वलेबी बैठ रही है अगर खानी हो तो। जलेबी नहीं है सॉरी, वो कुछ बूंदी बूंदी क्या खाने के। ये देखो यार ये गेट में कितनी अच्छी कलाकारी की हुई है, चित्रकारी बोली है ना। ये देखो ये एक डोर है, और अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये ना मतलब डाइनिंग हॉल था राजा का लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और ये सुख मंदिर दीवाने खास, ये इनके दीवाने खास है। ये मेरे ख्याल से इसमें रूम है दोनों साइड। तो ये क्या होता था, जो राजा महाराजा वगैरह होते थे ना, वो ना गर्मियों में यहाँ पर ना रेस्ट करने आते थे। चलिए अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना तो ये ज़्यादा ठंडा है, बाहर बहुत गर्मी हो रखी है। ये बीच में बगीचा है, और हमेशा की तरह ऐसी जगह पर ना हमारी पहचान जरूर मिल जाएगी। गंदा कर रखा है यार, बोतल फायर की है। बोतल फेंक रखी है भाई, ये तो वर्ल्ड यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स का में है, फिर भी इसमें देखो पानी में बोतल फेंकी हुई है। फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो बोतल फेंकी हुई है, स्ट्रेंज। अंदर जाने के लिए बनाई है, चेन लगी हुई है, चेन नहीं मतलब रॉड लगी हुई है। और देखो यार क्या वर्क किया हुआ है। तो यार जो इसमें पूरा ना ये वर्क किया हुआ है, नक्काशी की हुई है ना, ये बहुत सुंदर लग रही है। मतलब मेरे कैमरे से दिख नहीं रहा, पर मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ, तो इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। तो भाई ये है यहाँ का शौचालय, पर इसमें लिखा हुआ ना जगह जगह पर ये शौचालय बने हुए हैं। होंगे यार इतना बड़ा है, अगर बंदे को आ गई छोड़ते हुए यहाँ तक आएगा, वहाँ पर भी तो बाथरूम होना चाहिए ना। 1621-1667 में मिर्ज़ा राजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था। और इसमें मतलब यार जो बाहर से गेस्ट वेस्ट आते थे ना, दूसरे देश के राजा या फिर वहाँ, उनसे मुलाकात करने के लिए बनाया गया था। इसी को शीश महल कहते हैं, शीश महल जो बोल रहे थे ना, शीश महल दिखाएंगे, यही है शीश महल। ये देखो मैंने इसके बारे में सारा यहाँ पढ़ लिया।
तो भाई गाइड ना भी करो तो भी आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, वो भी यही बोल देख देख के बोलेंगे। देखो ये ऊपर झरोखा बना हुआ है नीचे देखने के लिए, यहीं से हम ऊपर आए। दूरबीन भी पड़ी है जहां से आप वहां वहां देख सकते हैं। भाई गर्मी गर्मी इतनी पड़ रही है, ये हाथ में लेके चलना पड़ रहा है रुमाल। बंदे की लग जाती होगी जो ऊपर जाता होगा, जैसे राजा बोलता होगा ना किसी सैनिक को कि जाओ ये चीज ऊपर दे के आओ, फट जाती होगी बंदे की ऊपर जाते हुए, कोसता होगा कि क्यों इस राज्य में पैदा हुआ। ये शांत जगह मिली है, बाकी यार इस किले में काफी आगे है और दिखाने का भी मैं इतना कुछ दिखाऊंगा नहीं यार, बेकार में वीडियो लंबी हो जाएगी। आप ही बोलोगे तो मेन मेन जगह है उसकी फुटेज दिखाऊंगा और फिर आगे चलेंगे। देखते हैं, आज का प्लान भी नहीं है तो हवा महल जाना नहीं है, वैसे ही लोगों ने मना कर दिया वहाँ को, तो हवा महल कुछ नहीं है। एक नाहरगढ़ फोर्ट है, अब यार फोर्ट और घूमने का मन नहीं करता, यदि एक दिन में एक ही फोर्ट काफ़ी होता है। तो देखते हैं वहाँ की, फिर जयपुर को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे अंदर से, क्योंकि वहाँ मैंने वापस जाना ही है, घेवर का जो ऑर्डर आ गया था यार झूठो है ना, वहाँ से क्या ठंडी हवा आ रही है, इतना ठंडा है, मतलब ए सी वाली फीलिंग आ रही है। ए सी में आती है ना 26 का टेम्परेचर लगा के आप ए सी चलाओ। और ये देखो वो तालाब है, ये भी गंदा कर रखा है, ये गंदगी क्यों दिख रही है आजकल का तालाब, ये तो है ही। देखो कितना सुंदर गार्डन बना रखा है बीच में वाला फोर्ट है ना, ये जयगढ़ फोर्ट है और इसी से दीवार पूरी पूरी की पूरी पूरी ऐसे 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 से जाते ना, पूरी ऐसे ऐसे घिरा हुआ है। तो दोस्तों मुल्क मिल गई है आमेर फोर्ट की एक सुरंग और मैं सुरंग में जा रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, रास्ता है इसमें जा रहा हूँ, अंधेरा है तो ठंडा है यार, ये बहुत ठंडा है क्योंकि यहाँ पर जबकि ऐसे बंद बंद रास्ते हो तो बिल्कुल गर्म होते हैं, लेकिन ठंडा है, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये आ गए हम बाहर, वही शीश महल में लिखा है एम्बर फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस 2013। ये जलेब चौक है, अच्छा इसको जो ये है ना ये एरिया इसको जलेब चौक कहते हैं, जलेब ये लिखा हुआ है जलेब चौक। ये भी कुछ है और अंदर पर्दे वर्दे लगे हैं यार, देखो पर्दे वर्दे लगे हैं अंदर दिख रहे हैं आपको, पर यहाँ रास्ता बंद है, मतलब तोड़ा हुआ है पर शायद जा नहीं सकते। अच्छा अच्छा ये इनका ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह है जो यहाँ पर जो इनको पूरा देख रेख करती है ना, ये पूरा उसका ऑफिस वगैरह होगा, ये लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। तो गर्मी बहुत हो गई है, कुछ ठंडा खाते हैं, ठंडा देखते हैं क्या ठंडा मिल सकता है वहाँ पर। मैंने प्लेन लस्सी ले ली है और सैंडविच, चलते हैं यहाँ बस। अमर किले में काफ़ी हो गया, अब कौन सी अंदर अंदर के रूम दिखाता रहूँगा आपको, बेकार में बोर हो जाओगे। तब चलते हैं गाड़ी में, फिर देखते हैं आगे कहाँ निकलना है। तो अब भैया हम जा रहे हैं जौहरी बाजार, जौहरी बाजार में मैंने पता किया है घेवर एक ना बहुत स्पेशल दुकान है, वहाँ से घेवर मंगवाते हैं, कोई उन्होंने बोला वहां से घेवर ले आना, तो वहां से घेवर पैक करते हैं, ठीक है जौहरी बाजार जाते हैं। और मेरे ख्याल से जौहरी बाजार के बाद लंच करेंगे और लंच के बाद निकल पड़ेंगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ दिल्ली क्या 12-1 बजे पहुंचना, 10-11 बजे पहुंच जाए ताकि सुबह की तैयारी भी हो पाए। और गली में आ गया हूँ मैं,
मेरे को जिसने बोला है ना यहीं से घेवर बहुत अच्छे मिलते हैं, जहाँ तक तो मुझे याद है यही है सांबर फिनी। हाँ जी यही है। इन्हीं के पास मैं लास्ट टाइम भी घेवर लेके गया था, उनके अभी घेवर नहीं है। चलो घेवर पैक करवाते हैं। ये देखो ये घेवर के रेट है, ऐसी शॉप है। तो यार मैंने काउंट किया और आ गया मेरा, थैंक यू। तो मैंने काउंट किया मेरे 14 डब्बे बन रहे हैं, और मैंने ना इनकी मीठी फीनिंग बहुत वो होती है, वो भी पैक करवा ली है आधा किलो। अभी इन्होंने बोला 15 से 10 मिनट लगेंगे, आप कुछ काम मत कराओ। मैंने बोला थोड़ा मार्केट दिखाता हूँ, कुछ और लेना हो बच्चे के लिए कुछ मिल जाए तो वो ले लेता हूँ। तो यार कभी आप अगर दोहरी बाजार या फिर यहाँ किसी भी बाजार में आओ ना तो इसकी ध्यान रखो, अगर आपके पास गाड़ी है ना तो गाड़ी जो प्रॉपर पार्किंग होगी पेड पार्किंग वहीं देना, ऐसे कोई खाली जगह पर आपने लगा दिया तो यहाँ के पुलिस वाले क्या करते हैं चालान कर देते हैं। और वो चालान ऐसा करते हैं कि आप जब घर पहुँचेंगे तो आपको एक दो महीने बाद आपके घर पर आएगा, और पर उसको भरने के लिए आपको ना फिजिकली जयपुर में आना पड़ेगा। तो ये मेरे एक जानकार हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि भैया मैंने तो पेड पार्किंग स्पेशली खड़ी की, थोड़ा चल लेंगे पैदल पास के चक्कर में फंसे चलान तो फिर वापस जयपुर का एक चक्कर लगेगा। तो यार अभी मैं चल रहा था, चलते चलते मेरे को दिखा ध्यान आया कि हवा महल तो बिल्कुल पास ही है। तो चलो यार हवा महल के एंट्रेंस पे चलते हैं, हवा महल देख ही लेते हैं हम पास अभी। ये कुछ ये एंट्री गेट है, अरे बहुत ट्रैफिक है, आवाज आ रही होगी आपको। यहाँ भी दुकान वगैरह अंदर खुली हुई है, और ये टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर है। ये देखो ये लिखा हुआ है हवा महल वाज बिल्ड ऑन भाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1799, और जो इसके आर्किटेक्ट थे वो लाल चंद उस्ता सवाई प्रताप सिंह, और बहुत कुछ लिखा हुआ है यार पढ़ लेना। ये देखो ये स्ट्रक्चर बना रखा है हवा महल का, ये देखो ये महाराजा का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कल्पक क्या बोलते हैं इसको, महाराजा का पुतला बनाया हुआ है महाराजा सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 तक, यही महाराजा थे, ये असली लग रहा है। राजस्थानी म्यूजिक कर रहे थे तो 200 रुपए दिए, बोला ये वाले गाने बजाओ, डीजे बना दिया इनका पूरा। कुछ रोके बने हुए हैं बाहर, उनसे मार्केट दिखती है। ये छोटे छोटे क्यों बना रखे हैं, थोड़ा बड़ा बना देते यार, ढंग से तो दिखती है। तो यार ये हवा महल के टॉप पे आ गए हैं, यहाँ से ऊपर से पूरे जयपुर का व्यू आता है, मतलब देख लो कुछ ऐसा ही व्यू ऊपर से आएगा ये सिटी का। और देखो छोटी सी पतली सी जगह है जाने की, और कितनी भीड़ लगी हुई है उस व्यू को देखने के लिए। अच्छा ये देखो ये सीढ़ी से दिख रही है आपको ना, ये जंतर मंतर है। मैंने सोचा यार क्या उतना ऊपर जाना, अब चलते हैं बस हवा महल के लिए। हवा हवा आ रही है और ठंडा है, तो जहाँ जहाँ धूप है यहाँ पर, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, जहाँ छावा है वहाँ ठंडा जाए। सारी मार्केट ना जुड़ी जुड़ी है, मैंने देख लिया,
और आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्लोथिंग का है, गारमेंट्स का, ज्वेलरी का, ज्वेलरी में स्पेशली जो वो जो पत्थर होते हैं ना, नीलम के पत्थर वगैरह, ये सब बहुत 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 व्यापार है यार। तो भाई ये डब्बे उठा के लाया हूँ मैं, जैसे मैंने बताया था उस साइड से, और अब इसको पीछे रख के बंद कर लेते हैं, सीधा निकलते हैं दिल्ली की तरफ, और रास्ते में कहीं से चार्जिंग जहाँ से करेंगे वहाँ से खाना खा लेंगे। तो मैंने कैलकुलेट करिए भाई, ये गेवर का मुझे ना एक डब्बा पड़ा है 240 रुपए का, 230-240 का ही पड़ा एक डब्बे में। एक बड़ा गोल सा गेवर है, छोटा डब्बा के अंदर डाल के दिया है, और वो करीबन 350 ग्राम है एक डब्बे में। तो ये जो मीठी फेनी, जो सांबर फेनी मैंने बताया ना, ये काफी फेमस है। जौहरी बाजार में आएंगे ना, किसी भी मिठाई वाला शॉप बाहर ही, उनसे पूछ लीजिएगा सांबर फेनी कहाँ जाना है, सांबर फेनी वाला वो गली बता देगा, गली में थोड़े से चलते ही है। तो यार ये देखिए, हम 15% बैटरी पे पहुंचे हैं और ये गाड़ी चल चुकी है 401 किलोमीटर। तो ये शिवा ढाबा करके है, यहाँ ग्रीडा का कोई है, मैंने बोला ये वाला भी ट्राई करके देखते हैं। एक वैसे नेक्सोन लगी हुई है यहाँ चार्जिंग में, तो हमारी भी चार्ज हो जाएगी। तो यार ये होटल शिवा ढाबा करके है, और इसमें ये ग्रीडा के लगे हुए हैं, इसे मैं पहली बार चार्ज कर रहा हूँ, पता है। और इसके तीन तीन लगे हुए हैं यार, 40-40 किलो वाट के हैं ये, और तीन तीन लगे हुए हैं, ये और ये। अभी पहले तो यहाँ गाड़ी चार्ज हो रही थी, अभी चलेगी, उसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये था कि मैंने उसी गाड़ी के साथ वो स्टार्ट था, तो मैंने बोला यार इसके सेकंड वाली गन लगा देता हूँ। तो ग्रीडा में ऑप्शन है कि पे एज यू गो, मीन्स उसे आप जब पहुंचे तो वहीं पर पेमेंट करके काट चार्ज। उसने गन लगाया, वो सिलेक्ट किया और 450 रुपीज करके चार्जिंग स्टार्ट की, तो स्टार्ट हुई, दिक्कत आई। फिर मैंने इस वाले चार्जर का एक गन लगाया, क्योंकि इस वाले चार्जर का एक गन तो डिफॉल्ट दिखा रहा था, दूसरा सही था, लगाया तो वो भी दो तीन बार, क्योंकि अब मैंने पेमेंट कर दी थी, ब्लॉक अमाउंट दिखा रहा था 450, तो मैंने चार्जिंग स्टार्ट की, स्टार्ट हो रही है वो, फिर वो ट्राई अगेन। तो मैंने इनके कस्टमर केयर में कॉल किया, फिर उन्होंने मेरी गाड़ी इस वाले चार्जर पे लगाने को कहा। तो यहाँ चलो बढ़िया भी है, छांव भी है, देखो ना। तो फिर मैंने गाड़ी यहाँ लगाई, फिर उनसे बात हुई, इसमें भी 3-4 बार प्रॉब्लम हुई, फिर इनके टेक्नीशियन ने वहीं से इस मशीन को रीस्टार्ट किया, हमने फिर से वो किया और ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई। चलो अब ये स्टार्ट हो जाती है, चार्ज हो जाती है। शिवा ढाबा में खाना खा लेते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, पर इन सब चक्रों में ना 25 मिनट निकल गए यार। लॉन्ग रूट के लिए इलेक्ट्रिक प्रेफर नहीं है यार। रीजन क्या है कि हाईवे में जब भी चार्जिंग करोगे आपका एक्सपीरियंस खराब होगा ही होगा। तो यार ये मैंने ना पूरी स्पेशल थाली ऑर्डर कर दी, बहुत भूख लगती थी, उसमें ये देखो पापड़ कैसे रखा हुआ है। तो यार ये 86% चार्ज हो गई है गाड़ी, मेरा 450 रुपये था वो पूरा हो गया, फुल हो गया। तो मैं इसी में अब पूरा मैं सोच रहा हूँ दिल्ली तक खींच लेता हूँ, देखते हैं पहुंच जाते हैं घर या नहीं पहुंचते। देखो ये मुझे 169 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे 25 मिनट लगेंगे, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी। तो यार ये 17% बैटरी पे पहुंच गए हैं अब, और गाड़ी चली है 578 किलोमीटर। तो भाई बस वो एक बार जो मैंने 85% चार्ज कराई थी उसी में भगा के ले आया गाड़ी, उसके बाद चार्ज नहीं करवाई, कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। बाकी अब चलता हूँ अंदर यार, कल ऑफिस जाना है, बहुत थक गया हूँ। लास्ट में मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा सा ना सपोर्ट दिखता है मेरे को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए चलता हूँ, गुड नाइट।